तो हेलो गाइस, जयपुर फूड एक्सप्लोर की नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का जो ये वीडियो है, मैं अभी अपने घर पे सो रहा था, फिर अचानक से मैंने देखा खिड़की से मौसम इतना बढ़िया हो रहा है, इतना अमेजिंग मौसम हो रहा है। तो मुझे लगा चलो यार कुछ बनाते हैं व्लॉग वगैरह, और सुबह सुबह का टाइम है, ऐसे मौसम में अगर सबसे पहले तो यार गर्मा गर्म चाय मिल जाए। और वाह, चाय आ भी गई। तो अभी चाय तो मिल गई है, अब इसके साथ साथ में हम लोग आज की वीडियो में करने क्या वाले हैं, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पोहा बनाने वाले हैं। और पोहा वो नहीं बनाने वाले हैं जो हमारे घर पे बेसिकली जो पूरा उसको फ्राई करके बनाते हैं, बहुत सारी उसमें सब्जियां डालते हैं, सब्जियां तो हालांकि दूसरे वाले में भी डालते हैं। आज हम लोग जो आपने स्ट्रीट फूड वाला जो पोहा देखा होगा, जिसको वो थोड़ा बॉयल कर करके स्टीम पोहा जिसको बोल सकते हैं, वो वाला पोहा बनाने वाले हैं। तो अब वो जाहिर सी बात हो, पोहा यहाँ तो बनेगा नहीं, तो नीचे चलते हैं किचन में और उस पोहा को बनाने की तैयारी करते हैं। तो ये पानी ऐड कर दिया है मैंने जो पोहा लिया था उसमें। तो अब ये जो भीगा हुआ पोहा है, इसके अंदर हम लोग हल्दी डालेंगे इसका कलर चेंज करने के लिए, और वो ठेले वाले क्या डालते हैं पता नहीं। और इसी के साथ साथ में इसमें हम लोग कुछ नमक भी डाल देंगे स्वाद अनुसार। और अब जो है इसको हमको बिल्कुल अच्छे से जो है मिक्स कर लेना है। और अगर हल्दी अगर आपको कम लगे, वाइट वाइट सा लगे, तो आप हल्दी और भी ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर कलर भी आप ऐड कर सकते हैं। छेद वाली प्लेट में बिछा लिया है पूरा। तो ये पानी रख दिया है, जैसे ही उबलना स्टार्ट हो जाता है हम हमारी जो प्लेट है वो इसके ऊपर रख देंगे। तो अब ये जो है थोड़ा उबलना चालू हो गया है, तो अब इसके अंदर जो है जो हमारा पोहा है ये रख देते हैं। और इस प्लेट पर पोहा बिछाने से पहले आप थोड़ा सा उसके ऊपर ऑयल जरूर लगा दीजिएगा, ताकि वो चिपके नहीं नीचे प्लेट के ऊपर। और ये देखिए ये पोहा है हमारा, ये स्टीम हो गया है अच्छे से, इसको हम लोग मिक्स कर लेंगे। और मैंने थोड़ा इसके ऊपर तेल कम लगाया था, तो उसे चिपक रहा है ये थोड़ा। खैर कोई नहीं, अच्छा हुआ एकदम। तो ये मेरी पोहा की तीन प्लेट जो है लग चुकी है, बिल्कुल ऑथेंटिक स्टाइल में जैसे देते हैं हमको ठेले वाले, बिल्कुल उस स्टाइल के अंदर। वो थोड़ा सा नीचे हो सकता है डिस्पोजल जो है ये अलग हो। तो इसके अंदर ये ऊपर से जो है प्याज डाल दिया है मैंने रफली कटे हुए, उसके साथ साथ में ये कुछ टमाटर डालेंगे हम लोग इसमें ऊपर से, खट्टापन के लिए और टेस्ट के लिए भी। अब हम लोग इसमें ऐड करने वाले हैं कुछ बारीक कटी हुई हरी मिर्च। और जो हरी मिर्च है उसको आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, और अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो उसको आप और भी ऐड कर सकते हो। अब इसमें डालेंगे बिल्कुल बारीक वाली जो नमकीन आती है, और इसमें दो तरह की डलती है, एक तो बारीक वाली भी डालते हैं और साथ में मोटी वाली एक नमकीन भी होती है वो भी डालते हैं। तो मोटी वाली मैंने जो है नहीं डाली है, आप अगर चाहें तो उसको डाल सकते हैं, वो थोड़ा सा जो स्पाइसीनेस है वो बढ़ा देती है। और ये इसमें डालेंगे जो खट्टी मीठी वाली जो होती है, जो मेरे हिसाब से तो इस जो पोहा स्ट्रीट फूड वाला हम लोग जो खाते हैं उसका सबसे मेन इन्ग्रीडियंट होता है ये। और आप चाहे अगर आपको तीखा पसंद है तो जो नॉर्मल जो मिक्स नमकीन होते हैं वो भी डाल सकते हैं, बस वो इस वाली से थोड़ी स्पाइसी होती है, ये वाली थोड़ी कम स्पाइसी होती है। और अब हम इसमें अनारदाना डालेंगे। अनारदाना वैसे मैंने देखा है मोस्टली हर ठेले वाला नहीं डालता है, कुछ गिरे चुने सिलेक्टेड जयपुर के अंदर है स्टॉल्स जो कि डालते हैं, बट हम तो डालने वाले हैं हमारी प्लेट में। तो और ये कुछ तली हुई मूंगफलियाँ भी डाल देते हैं साथ में। मूंगफली तो हालांकि नमकीन में भी है, बट इससे और एक्स्ट्रा क्रंचीनेस आ जाता है क्योंकि ये अभी फ्रेशली फ्राइड है। नींबू डालेंगे, जिसके बिना ये और कोई भी स्ट्रीट फूड जो है वो अधूरा ही रह जाता है। और ये आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है देखने में। तो अब इसकी खूबसूरती को और बढ़ाते हुए इसके अंदर ये धनिया भी डाल देते हैं। और पिछली बार जब मैंने घर पे बनाए थे तो इसमें जो सेव होती है बारीक वाली जो होती है वो मैंने डाली थी, तो उसका काफ़ी अच्छा टेस्ट गया था, तो वो भी इसके अंदर हम लोग ये डालेंगे। तो अब इसमें एक आइटम और बचा है,
वो डालते हैं, ऊपर से थोड़ा धनिया डालते हैं और फटाफट से इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो भाई अब इसमें डलेगा अमूल चीज, क्या बात है, ये देखिए। ये जो है इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ा देगा और इसकी अपीयरेंस भी, वो तो बढ़ा ही दिए खैर।